तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर कक्षा नौवीं के लिए आपकी पूरक परीक्षा का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि कक्षा नौवीं का आपका पूरक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन बताऊँगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा और आपका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट आप लोगों को करना है। तो देखो आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो इस प्रकार से आपको पूरा इसको पढ़ना है, एजुकेशन होल्ड है क्यूसीएल, इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लें पूरा का पूरा। अब चलो हम यहाँ से इन क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टूडेंट लाइफ। तो देखो पहले का राइट आंसर आ जाएगा टू लर्न एंड एक्वायर्ड एजुकेशन। तो देखो पहले का राइट आंसर बी आएगा। सेकंड को पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द पेसेज व्हाट कंट्रीब्यूट टू द स्टूडेंट आइडेंटिफाई इन सोसाइटी। देखो सेकंड का राइट आंसर मॉरल वैल्यू आ जाएगा। थर्ड का राइट आंसर सी आ जाएगा, बिकॉज इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड द लर्निंग। तो देखो थर्ड का राइट आंसर सी आ जाएगा। फोर्थ को पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द पेसेज एजुकेशन एंड लर्निंग नेवर एंड। तो देखो इसमें आपको टू लिख देना है। और इसके बाद में फाइव, व्हाट इज द सिनोनिम्स फॉर डिस्टिंक्ट एंड द यूज ऑफ द पेसेज। तो देखो यहाँ पर आपको यूनिक लिख देना है। इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें। प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं, रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको प्रश्न नंबर 2 को पढ़ना अच्छी प्रकार से। अब चलो जल्दी से हम इसके आंसर को देख लेते हैं। तो देखो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब चलो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सपोर्टर्स ऑफ द सिटी लाइफ आर द ओपिनियन दैट इट इज। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना ऑल ऑफ दिस। उसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन, ए ड्रॉबैक ऑफ द विलेज लाइफ कैन बी। देखो लिमिटेड फैसिलिटी देन सिटीज, इसका राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर का, द हॉस्टल इन द बस्टल ऑफ सिटी लाइफ मीन्स। तो देखो द सिटी लाइफ इज टू फास्ट, इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में द सिटी लाइफ इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखो ये आपके चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, अकॉर्डिंग टू द पेसेज इज द ऑलवेज इजिली गेट ग्लिम्स ऑफ द स्काई इन सिटी एवरी डे। तो देखो आपका ये फॉल्स हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, द सिनोनिम्स ऑफ द मैंडेट एफ द यूज ऑफ द पेसेज। तो देखो यहाँ पर आपका रूटीन लिख देना है। इस प्रकार से आप लोग देख लें। इसके बाद में देखो सेक्शन बी जो लिखा ना आपका, ये सेक्शन बी को आप लोगों को देख लेना जिसमें कि आप क्वेश्चन में 3 दिया गया है, उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आप लोग इन प्रश्नों को देख लें, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सेक्शन सी को पढ़ लें। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन, द सनराइज इन द अर्थ ईस्ट, यहाँ पर आपको द लिख देना है। द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, तो देखो यहाँ पर आपको गिव्स लिख देना है। सी में आपको हेल्थ इज देन वेल्थ, तो देखो इसमें आपको बेटर लिख देना है। प्रमोद विल सी यू ऑन मंडे 8:11 PM, इस प्रकार से आपको लिख देना है। देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, तो देखो यहाँ पर आपका मच आ जाएगा। दे कम्प्लीट देयर वर्क, तो देखो आपका इसमें हेव आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें। उसके बाद में देखो ये आपको डू ए डायरेक्टेड दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिएगा। अब 9 के बाद के क्वेश्चन और कुछ इधर देख लेते हैं। देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। सेकंड का देखें तो आपका ए आएगा, ए क्लीन हैंकी। थर्ड को देखें तो इसका बिकॉज ऑफ हिज लव, तो देखो इसका थर्ड का राइट आंसर सी आ जाएगा। फोर्थ का आपका डी आएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को देख लें। 10 का पहला क्वेश्चन, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक। तो देखो 2.5 ईयर, इसका राइट आंसर आएगा। सेकंड में आपको सी लिख देना है, थर्ड में आपका बी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा इनको समझ भी लें। उसके बाद में देखो इसी का बी वाला भाग है ये। इसमें पहला क्वेश्चन था, अबव स्टेक हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। तो देखो रेन ऑफ द रूफ, इसका राइट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन था, अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस। तो देखो ब्लिस का अपोजिट आपका डिजायर आ जाएगा। आप इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं, वेयर टू द सेडो हावर। तो देखो ऑन स्टेरी सेपर्ड, इसका राइट आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 11 को देख लें। 11 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 को पढ़ लें। 13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 लिखा, 15, 16, 17, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन में यहाँ से आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गए होंगे। तो आप सब लोग इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक पेपर जो मैंने आपको ये बताया और इसके पहले जो बताते हैं, दोनों को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा आपका पेपर इन्हीं दोनों क्वेश्चन पेपर में से बनकर आने वाला है। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिखकर आ सके। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।